सातवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति देशवासियों ने दी बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा कोरोना सू लड़ाई में योग बन्यो सुरक्षा कवच। भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया उदयपुर में आयोजित योग कार्यक्रम में लियो हिस्सो। जयपुर में भी भाजपा नेता योग कार्यक्रम में करी शिरकत। जैसलमेर और जोधपुर में सीमा सुरक्षा बल रा जवान सीमा चौकिया माथे करी विभिन्न योग मुद्रा। बीएसएफ रा विशेष ऊंट दस्ता का निशु भी प्रस्तुत करी गई योग क्रिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस माथे आज सु देश में कोरोना टीकाकरण रा नुवा चरण रीवी शुरुआत। 18 वर्ष सु ऊपरी आयु रा प्रत्येक नागरिक ने लागेली मुफ्त कोरोना वैक्सीन। आज चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जयपुर राज्य कलोन अस्पताल रो करियो दौरो। आईसीयू कक्ष रो निरीक्षण कर अधिकारियों और चिकित्सकों ने दिया दिशा निर्देश। दूरदर्शन समाचार माथे थारू घणो घणो अभिनंदन। मैं नीतीश गोयल अबे खबरा विगतवार। सातवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस माथे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू देशवासियों ने योग दिवस की शुभकामनाएं दीनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देशवासियों ने संबोधित करता थका कहा कि कोरोना महामारी में योग उम्मीद री किरण बन्यो हो है। सातवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राष्ट्रपति भवन में योग किया है। अपने ट्वीट पर अपने दिए संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी को बधाई। हजारों वर्षों से लाखों करोड़ों लोगों को स्वस्थ एवं खुशहाल जीवन का वरदान और शरीर एवं मन के संयोजन का साधन योग के रूप में हमारे ऋषियों ने विश्व को दिया है। मानवता को यह भारत की अनुपम देन है। योग कोविड-19 के संदर्भ में भी सहायक हो सकता है। वहीं योग के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अपने आवास पर योगासन किए हैं। उपराष्ट्रपति ने लोगों से योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना महामारी के संकट के बीच योग उम्मीद की किरण बना हुआ है। कोरोना काल में भले ही सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं हुआ हो लेकिन योग दिवस को लेकर उत्साह कम नहीं हुआ है। आज जब पूरा विश्व कोरोना महामारी का मुकाबला कर रहा है तो योग उम्मीद की एक किरण भी बना हुआ है। 2 वर्ष से दुनिया भर के देशों में और भारत में भले ही बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं हुआ हो लेकिन योग दिवस के प्रति उत्साह जरा भी कम नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया उदयपुर स्थित टाउन हॉल में आयोजित योग कार्यक्रम में हिस्सों लियो। इन दौरान वड़ा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा माथे पुष्पांजलि अर्पित करी। प्रदेश अध्यक्ष कहा कि योग रे जरिए आपा अनेक बीमारियां से बच सका। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रहे मौके भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर और विधायक कालीचरण सराफ जयपुर में आयोजित योग कार्यक्रम में हिस्सों लेर लोगों से योग ने अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करवा री अपील करी। उदयपुर रा शिल्पग्राम में भी योग दिवस रे मौके योगाभ्यास कराया गया। इन दौरान सांसद अर्जुन लाल मीणा पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र री निदेशक किरण सोनी गुप्ता समेत गणमान्य नागरिक मौजूद रहा। इन दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम रो भी आयोजन करयो गयो। और अपनी एड़ियों को अपने बटक्स के पास रखिए। ऊपर उठाना है और होल्ड कीजिए, कुछ सेकंड होल्ड करें। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने योग विश्व योग दिवस के रूप में आज 21 जून से
ये 7th अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इससे हम सब लोग जानते हैं कि हम सबको स्वस्थ रहने के लिए योग हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है और वेस्ट जोन कल्चर ने हमारे पुराने समय की देन है भारत को कि अपनी फिजिकल वेलबींग के साथ साथ हमें माइंड और बॉडी पर भी माइंड बॉडी और सोल पर भी फोकस करता है और योगा एक ऐसी चीज़ है जिसकी एक साधना से हम एक इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी बना सकते हैं। पूरे शरीर में बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है शारीरिक और मानसिक, तो इसमें सारे पोश्चर्स ऐसे हैं, सारे आसन ऐसे लिए गए हैं जिसमें शरीर का संतुलन बने, मानसिक संतुलन बना रहे और शारीरिक मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ प्राणायाम हैं जो कपालभाति हुआ जो कि शुद्धि क्रिया भी है और कुछ पोश्चर्स बैलेंसिंग है जिससे हमारा नर्वस सिस्टम भी अच्छे से एक्टिव है और सबसे बड़ा है कि इस पैंडेमिक में किस तरह से वो पोश्चर्स ऐड किए गए हैं जिसमें हमारी जो लंग्स की कैपेसिटी किस तरह से इम्प्रूव हो, किस तरह से हम अपनी बॉडी का ऑक्सीजन लेवल अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सब इसमें ऐड किया गया है। योग दिवस रे मौके माथे युवावा माए भी योग ने लेर खासा उत्साह देखने मिलियो। उदयपुर रा सांस्कृतिक केंद्र माए आयोजित कार्यक्रम माए महाका संवाददाता मुरारी गुप्ता युवावा सु बातचीत कर जीवन माए योग रा महत्व ने जानबारी कोशिश करी। पैर के दर्द के लिए भी बहुत ही अच्छा आसन है ये और धीरे धीरे वापस नीचे लाइए। 11 अप, दोनों हाथ ऊपर। मैं इस समय उदयपुर के शिल्पग्राम में मौजूद हूँ जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया। हालांकि कोरोना प्रोटोकॉल के वजह से बहुत कम लोगों को यहाँ पर बुलाया गया, लगभग 20 से 25 लोग यहाँ पर स्टाफ के लोग मौजूद थे। हम बात करते हैं इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल के लिए जो निर्धारित योग थे वो सब जॉइंट एक्सरसाइज, सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, ये सब आसन करवाए गए। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ युवा जो नियमित रूप से योग करते हैं और वो खिलाड़ी भी हैं, तो उनसे बात करते हैं कि किस तरह उनके जीवन में जो योग है अपने खेल में उनको सहायता करता है। अपना नाम बताइए और अब कब से योग कर रही हैं? मेरा नाम रेणु सुथार है, मैं 10th क्लास जब 15 ईयर की थी तब से योगा कर रही हूँ और मेरी योगा टीचर है मेरी मौसी मीरा उपाध्याय जो मैं डेली योगा की क्लास देती हूँ मॉर्निंग में। और योगा हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, योगा प्लस हेल्दी डाइट ये होने से अभी स्पेशली कोविड टाइम चल रहा है तो इसमें भी योगा करना सबसे बेस्ट है। बास्केटबॉल खेलने में अच्छी एनर्जी रहती है और उसके साथ में करने में मतलब बहुत सही रहता है। इसके योगा को जो सारे नाम है अपने ये सारे भुजंगासन और ये सारे बास्केटबॉल के अंदर स्ट्रेचिंग के नाम से जाने जाते हैं तो दोनों ही सेम है। मतलब है कि बास्केटबॉल में भी यही होता है प्रोसेस और इधर भी यही है, इसलिए मतलब योगा तो डेली है, चाहे कोई सा भी गेम हो योगा तो हर गेम में इंक्लूड है। आज जो योगा दिवस मनाया गया उसमें इंस्ट्रक्टर के तौर पर काम कर रहे थे लोगों की करेक्शन करने के लिए, उनसे जानेंगे कि वो किस तरह योगा से जुड़े हुए हैं और किस तरह उनको योगा अपने जीवन में प्रभावित करता है। जी, मेरा नाम आयुष उपाध्याय है, मैं ऑलमोस्ट 2 या 3 साल से योगा से जुड़ा हूँ। जी सर, मेरा नाम वत्सल शर्मा है और मैं पिछले 3 साल से योगा से जुड़ा हुआ हूँ। तो हर साल जब भी 21 जून आता है तो हम यहाँ पर आते हैं और योगा इंस्ट्रक्ट करते हैं और लोगों को प्रेरणा देते हैं कि आप हाँ योगा कीजिए और योगा को अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड कीजिए ताकि उससे आपका शरीर का जो जो गतिविधियाँ हैं वो थोड़ी सी अच्छी और बेहतर हो। चित्तौड़गढ़ रा कुंभलगढ़ माए केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय और केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय कानी सु योग और सांस्कृतिक कार्यक्रम रो आयोजन करियो गयो। कार्यक्रम माए कोरोना गाइडलाइन री पालना करता थका लोग योग री विभिन्न मुद्रावा करी। शांत हो गया, स्थिर हो गया। इसके बाद हम संगठन मंत्र करेंगे, सभी संगठन मंत्र एक साथ मैं करूंगा। 4 5 6 ओ गिरवा 7 8 ओ
शोल्डर की तरफ, दो बीच में, तीन क्लॉकवाइज घुमाएंगे, शुरू करें, एक सहजता से सरलता से घुमाएं। राजसमंद माएं केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय और केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय का निशु योग एक भारतीय विरासत अभियान के तहत योगाभ्यास करायो गयो। कुंभलगढ़ दुर्ग परिसर माएं आयोजित कार्यक्रम माएं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अधिकारी दयानंद गुप्ता समेत योग प्रशिक्षक और स्थानीय निवासी मौजूद रहे। भरतपुर और डीग महल माए भी योगाभ्यास कार्यक्रम रो आयोजन करयो गयो। इन दौरान योग प्रशिक्षक विभिन्न योग क्रियावां ने माध्यम सु योग भगाए रोग रो संदेश दियो। कार्यक्रम माए लोग कोरोना गाइडलाइन री पालना करता भी नजर आया। जयपुर स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में भी योगाभ्यास कार्यक्रम रो आयोजन करयो गयो। इन दौरान कोरोना गाइडलाइन री पालना करता थका सोशल डिस्टेंसिंग रे साथे लोग योग क्रियाएं करया। हम लोग सातवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। इसके लिए हमने 100 दिन पहले से विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला शुरू कर दी है। उनमें हमने 5 वेबिनार लेक्चर बड़े एक्सपर्ट लोगों से कराए। आज हम अपने संस्थान में कॉमन योगा प्रोटोकॉल को सुबह 7 से 7:45 के लिए आम जनता के लिए हमने यहाँ से लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करा रहे हैं, जिसको हमने संस्थान की यूट्यूब और फेसबुक के द्वारा आम जन तक उसको पहुँचाया है। और हम आशा करते हैं कि सभी लोग जुड़ के इस कार्यक्रम को भव्य रूप में मनाएंगे। और साथ ही आज हमने एक वीडियो कंपटीशन भी रखा है जिसका फाइनल रिजल्ट निकलने वाला है, जिसमें एक सिंगल विजेता और फैमिली को पुरस्कार दिया जाएगा। जैसलमेर सु लागती भारत पाक सीमा माथे भी जवान अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस माथे योगाभ्यास करया। इन दौरान सीमा सुरक्षा बल रा जवान सीमा चौकिया माथे ही विभिन्न योग मुद्राएं करी। जोधपुर में भी सीमा सुरक्षा बल सहायक प्रशिक्षण केंद्र का निशु योग कार्यक्रम आयोजित करयो गयो। इन दौरान बीएसएफ रा विशेष ऊंट दस्ता योग री विभिन्न मुद्रा वा प्रदर्शित करी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रे मौका माथे जयपुर स्थित सप्तशक्ति कमांड माए भी योग कार्यक्रम रो आयोजन करयो गयो, जिनमाए सेना रा अधिकारियां समेत वणारा टावर भी विभिन्न योग क्रियावां करी। करौली जिला मुख्यालय समेत न्यारी न्यारी ठोरा माथे योग शिविर रो आयोजन करयो गयो। आयुर्वेद विभाग का निशु जिला माए 30 से 32 ठोरा माथे शिविर लगार लोगा ने योग खातर जागरूक करयो गयो। दौसा रा बजरंग मैदान माए पतंजलि योग समिति का निशु योग कार्यक्रम आयोजित करयो गयो, जिन माए कोरोना गाइडलाइन री पालना करता थका लोग बढ़ चढ़र हिस्सा लियो। योग से पूरे दिन हमें जीवन जीने की शक्ति उत्पन्न होती है, जीवनदायिनी शक्तियां मिलती है और
पूरा इम्यूनिटी पावर बढ़ता है, रोग को प्रतिरोधक शक्ति हमको प्राप्त होती है। इस प्रकार की कार्यविधि के साथ में पूरा दिन हम, मेरी उम्र जैसे 70 साल हो गई तो भी मैं ऐसा महसूस करता हूँ, मैं 12 घंटे भी काम करता हूँ तो भी थकान नहीं होती है, योगी का परिणाम। झुंझुनूमा योग दिवस रे मौका माथे अमृत महोत्सव रे तहत सूचना जनसंपर्क कार्यालय में जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक समेत विभिन्न अधिकारी पौधारोपण करया। इन दौरान 32 संख्या में पेड़ लगावा और वणारी संभाल करबारो संकल्प भी लियो गयो। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही गौरवशाली दिन है, क्योंकि योग हमारी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति है और आज हम योग के माध्यम से पूरे विश्व को एक नेतृत्व दे रहे हैं, तो यह बहुत ही गौरवशाली क्षण है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप योग को अपने जीवन के अंदर आत्मसात करें। मुझे भगवान की दया से अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है और मेरे घर में मेरे ससुर जी को, मेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम्स थी, वो काफ़ी हद तक सही हो चुकी हैं। कपालभाति, अनुलोम विलोम तो डेली करना ही चाहिए और नियमित योगा। आयुर्वेद और भारतीय चिकित्सा विभाग रा निर्देशानुसार झालावाड़ में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गयो। इन दौरान योग के साथ रहो घर पर थीम माथे आधारित जिला आयुर्वेद चिकित्सालय में योगाभ्यास करो गयो, जिनरो सीधो प्रसारण विभिन्न सोशल मीडिया रे जरियो करो गयो। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रे मौके आज जयपुर में महर्षि पतंजलि सम्मान समारोह रो आयोजन करयो गयो। राजस्थान योग प्रतिष्ठान कानीसु आयोजित सम्मान समारोह में विभिन्न योग गुरुओं रो मान करयो गयो। राजस्थान के उन मूर्धन्य विद्वानों को जिन्होंने योग के क्षेत्र में विशेष उल्लेखनीय कार्य किया है, उनको महर्षि पतंजलि सम्मान से सम्मानित किया है। इसमें योग गुरु डाकाराम जी, डॉक्टर शेखर शर्मा जी और डॉक्टर अभिनव जोशी, ये तीनों विद्वान अलग अलग क्षेत्रों में पूरे जयपुर के अंदर योग का प्रचार प्रसार के लिए लंबे समय से काम कर रहे हैं। इन तीनों प्रतिभाओं को सम्मानित करके हम स्वयं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं और इस प्रकार की प्रतिभाओं को आगे लाने से समाज में एक संदेश जाता है कि योग का जो प्रचार प्रसार है वो और तेजी से होगा। कोरोना महामारी रे चलता योग दिवस रे मौका माथे लोग घरा ही योगाभ्यास करया। जयपुर री योग प्रशिक्षक काजल दरियानी और जया जैन घरा ही योगाभ्यास कर लोगा ने योग करबा खातर प्रेरित करया। वणा कया कि योग रे जरिए शरीर में संतुलन स्थापित करयो जा सके है। राज्यपाल कलराज मिश्र रा प्रस्तावित सिरोही जिला रा माउंट आबू दौरा ने लेर प्रशासन और पुलिस तैयारियां पूरी कर ली है। राज्यपाल रा दौरा ने लेर जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद और पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह एयरपोर्ट माउंट आबू स्थित राजभवन समेत कई ठोरा रो निरीक्षण करया। इनरे साथ ही अधिकारियों ने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया। सिरोही जिले का कार्यक्रम तय हुआ है, उनकी तैयारियों के संबंध में प्रशासन ने राजभवन को उनके ठहरने के लिए पूरी तरह से तैयार कर लिया है। जैसा मुझे बताया गया है कि काफ़ी लंबे अरसे के बाद महामहिम यहाँ पधार रहे हैं। नगर परिषद ने शहर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए, स्वच्छता के लिए अपने पूरे स्टाफ को लगाकर शहर की व्यवस्थाओं को चाक चौबंद कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस माथे आज सू देश में कोरोना टीकाकरण रा नुवा चरण री शुरुआत वेगी है। इन अभियान रे तहत 18 वर्ष सू ऊपरी आयु रा प्रत्येक नागरिक ने कोरोना वैक्सीन री मुफ्त खुराक दी जावेली।
इन अभियान रो पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन करेली। आज से देश भर में 18 साल से अधिक की उम्र के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन की मुफ्त खुराक दी जाएगी। इस महाअभियान का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठा रही है। देश में कोरोना वैक्सीनेशन को गति देने के मकसद से केंद्र सरकार ने अपनी उदारीकृत और त्वरित टीकाकरण नीति को संशोधित किया है। इस महीने की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि केंद्र सरकार मौजूदा कोविड टीकाकरण अभियान को अपने हाथ में ले लेगी। उन्होंने कहा था कि आने वाले दिनों में देश में वैक्सीन की आपूर्ति में तेजी आएगी। आज से लागू नई नीति के तहत केंद्र सरकार वैक्सीन निर्माताओं से 75% टीके खरीदेगी और 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों का टीकाकरण करने के लिए उन्हें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मुफ्त में वितरित करेगी। निजी अस्पताल 25% टीकों खरीद जारी रख सकते हैं, लेकिन वो वैक्सीन के निर्धारित मूल्य के अतिरिक्त सेवा शुल्क के नाम पर सिर्फ 150 रुपये ही अतिरिक्त प्रति खुराक से अधिक चार्ज नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही अब कोविन या आरोग्य सेतु ऐप पर पंजीकरण कराना लोगों के लिए अनिवार्य नहीं है। नई वैक्सीनेशन पॉलिसी में लोग सीधे वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवाकर टीका लगवा सकते हैं। प्रदेश भर माए भी आज से कोरोना टीकाकरण नवाचरण की शुरुआत वे चुकी है। इन कड़ी माए जयपुर स्थित दूरदर्शन केंद्र माए भी टीकाकरण शिविर आयोजन करो गयो। इन दौरान बड़ी संख्या माए युवा उत्साह के साथ टीकाकरण करवाया। आज दूरदर्शन केंद्र में हमारी सेक्टर 3 मालवीय नगर की टीम आई है 18-44 एज ग्रुप के वैक्सीनेशन के लिए। तो यहाँ पर अच्छा दिख रहा है उत्साह लोगों में कि सब लोग आ रहे हैं, वैक्सीन लगवा रहे हैं। तो हम यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग भारतवर्ष में भी सभी वैक्सीन लगवाएँ और भारत को कोविड मुक्त कराएँ, क्योंकि ये महामारी अब जितनी जल्दी ख़त्म होगी उतना ही जल्दी भारत का विकास भी होगा, थोड़ी अर्थव्यवस्था भी सही होगी। आज दूरदर्शन केंद्र जयपुर में जो डॉक्टर्स की टीम आई और कोविड-19 के इंजेक्शंस जो लगाए जा रहे हैं, वैक्सीनेशन हो रहा है, हमें कोविड-19 की जो वैक्सीनेशन है 18+ एज के ग्रुप में लगाई जा रही है। काफ़ी संख्या में आप सभी यहां पे वैक्सीनेशन कैंप को सक्सेसफुल बना रहे हैं, इंजेक्शंस लगवा के अच्छी तादाद में आप सब आए। ये हमें खुशी है कि हमारे भारत सरकार और प्रधानमंत्री जी की अपील पर, उनके आह्वान पे जो इतनी बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई है, उसमें आप सभी बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं और कोविड-19 को ख़त्म करने के लिए उत्सुक हैं। मेरी उम्र 29 वर्ष है और दूरदर्शन केंद्र झालाना डूंगरी में जो कोविड वैक्सीनेशन कैंप हुआ है उसमें मैंने आज अपनी पहली कोविड वैक्सीन लगवा ली है और मैं काफ़ी गर्व महसूस कर रहा हूं कि मैंने प्रधानमंत्री जी के जो आह्वान किया है उसमें अपना योगदान दिया है। और मैं मेरे युवा साथियों से भी ये कहना चाहूँगा कि कोविड वैक्सीन लगवाने के बाद भी आप कोविड की गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन करें। मैंने अभी अभी यहाँ से कोवैक्सीन लगवाई है। मैं ये कहना चाहूँगी सारे युवाओं को कि जो प्रधानमंत्री जी ने हमें ये अवसर दिया है कि हम सब हमारा फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं, हमें इसका भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए और सारे देशवासियों और देश के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जयपुर स्थित खनिज भवन माए भी टीकाकरण कार्यक्रम आयोजन करो गयो, जिन माए कर्मचारी और वणारा परिजना ने कोरोना रो टीको लगायो गयो। इन मौका माथे खनिज विभाग रा ACS डॉक्टर सुबोध अग्रवाल भी मौजूद रहा। भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह 2 दिवसीय दौरा माथे आज जयपुर पुग्या। इन दौरान वणा मालवीय नगर स्थित टीकाकरण केंद्र रो दौरो करयो। वणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो धन्यवाद ज्ञापित करता थका लोगों सु कोरोना रो टीको लगावा बारी अपील करी। वर्ष से लोगों के ऊपर को मुफ्त में टीकाकरण मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार कर रही है।
हम सभी देशवासी मोदी जी को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देते हैं सभी का टीकाकरण हो रहा है। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा आज जयपुर राज्य के लोन अस्पताल रो दौरो कर चिकित्सा व्यवस्था रो जायजो लियो। इन मौके चिकित्सा मंत्री परिसर में बन रहा आईसीयू कक्ष रो भी निरीक्षण कर अधिकारियां और चिकित्सका ने दिशा निर्देश दिया। हालांकि पिछली जो सेकंड वेव आई थी उसमें भी कुछ बच्चे यहाँ मैंने अभी पता किया करीब 146 बच्चे उस दौरान भी संक्रमित हुए थे और यहाँ उन्होंने अपना ट्रीटमेंट लिया था। अब थर्ड वेव आएगी कि नहीं आएगी ये तो वो जाने, लेकिन जब संभावना व्यक्त की जा रही तो हम अपनी तैयारी पूरी हमने पहले ही गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा है राजस्थान में जितने बच्चों के अस्पताल हैं उनको हम स्ट्रेंथन करें, वहाँ पर जितनी ज़रूरत है उतनी फैसिलिटीज़ हम डेवलप करें। उसी कड़ी में आज मैं यहाँ जेके लोन अस्पताल जो राजस्थान का सबसे बड़ा अस्पताल है बच्चों का यहाँ मैं आया हूँ और यहाँ पे 800 टोटल बेड हैं। अभी कुछ नए आईसीयू के बेड बन रहे हैं जिनको मैं देख के आया, करीब 30 बेड नए हैं और 80 करीब फाइनेंस में हैं जिनकी स्वीकृति आना बाकी है। प्रदेश में बारिश रो दौर शुरू हो चुको है। प्रदेश अधिकांश थोड़ा माथे रुक रुक कर बारिश हो रही है जिसके कारण लोगों ने गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग का कार्यकारी निदेशक हिमांशु शर्मा बताया कि प्रदेश में मानसून रा दस्तक देवारे साथ ही तापमान में गिरावट दर्ज करी गई है। और आइए अब बात कर रहा है अपनी और अपनी सुरक्षा री। डीडी न्यूज का निशु एक खास मुहिम चलाई जा रही है मास्क अप इंडिया। आओ जाना कोरोना से बचाव री दिशा में कई है जरूरी कदम। रवि मुख्य समाचार एक बार फेरू। सातवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति देशवासियां ने दी बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कया कोरोना से लड़ाई में योग बन्यो सुरक्षा कवच। भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया उदयपुर में आयोजित योग कार्यक्रम में लियो हिस्सो। जयपुर में भी भाजपा नेता योग कार्यक्रम में करी शिरकत। जैसलमेर रा जोधपुर में सीमा सुरक्षा बल रा जवान सीमा चौकिया माथे करी विभिन्न योग मुद्रा। बीएसएफ रा विशेष ऊंट दस्ता कानीसू भी प्रस्तुत करेगी योग क्रिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस माथे आज सु देश में कोरोना टीकाकरण रा नुवा चरण री भी शुरुआत। 18 वर्ष ऊपरी आयु रा प्रत्येक नागरिक ने लागेली मुफ्त कोरोना वैक्सीन। और चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जयपुर रा जेके लोन अस्पताल रो करियो दौरो। आईसीयू कक्ष रो निरीक्षण कर अधिकारियां और चिकित्सका ने दिया दिशा निर्देश। दूरदर्शन समाचार में अब आरत तो ही नमस्कार।